अमाउंट ऑफ डिमोटिवेशन, ये जितना नीचे रहेगा अमाउंट ऑफ डिमोटिवेशन उतना रहेगा, लेकिन ये कर्व ऊपर जाएगा ही। एक्सपेक्टेड लाइन है, ये तुम्हारी उम्मीद है और ये रियलिटी है। रियलिटी हमेशा उम्मीद से नीचे ही रहता है एक क्रिटिकल टाइम पर। लेकिन बहुत सारे बच्चे बैठते हैं नीट में, लेकिन एक्चुअल अगर देखा जाए चार लाख बच्चा सीरियस एस्पिरेंट है जो सच में तुम्हारी तरह मेहनत करता है। तुम्हारा फाइट भाई चार लाख से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कॉम्पिटिशन, चार लाख से तुम्हारा सीरियस फाइट तो है। बस ये है कि तुम उन 22 में बता जाना। अब तुम बैकलॉग है ना, सुन बैकलॉग होगा दो चैप्टर का, दो चैप्टर चार चैप्टर का, उसको सबसे अभी तू तुम्हें पढ़ाई कर रहा है तो तुम्हें टाइम कब मिल रहा है दोस्तों के पास? सुनी मत ना, और छोड़ दे 6 महीने 7 महीने 8 महीने के लिए, सबको छोड़ दे, घर वालों को छोड़ दे, जोने की बात कर रहा है, लेडी को छोड़ दे, मोहल्ले वाले को छोड़ दे, दोस्त को छोड़ दे, सबको छोड़ दे, अपना फोकस पढ़ाई कर। मेरी आवाज आ रही है 800 रुपए ज्यादा देखने को। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां दे दें, UJPM के संस्थापक हैं, आपके नेता हैं। अच्छी बात है, आज थोड़ा सा लेट हो गया, बर्थडे पे इतना तो चलता है। आज इतनी केक खाया हो, इतनी केक खाया, तूने सोचना होगा इतनी केक खाया होगा, बहुत हिसाब कल होगा। तो सभी को ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है, जबरदस्त बर्थडे विशेष आ रहे हैं सर, एकदम जोरदार तरीके से हैप्पी बर्थडे, मतलब रुक नहीं रहे सर। कैसा लग रहा है आपको, आपके बचपन का सपना आज पूरा हुआ कि आप बैच के बच्चों के सामने, अपने बच्चों के सामने आके आप जन्मदिन की बधाइयां ले रहे हैं। इमरजेंसी की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था लक्ष्य में, तो मुझे था कि यार लक्ष्य में क्लास हो पाई तो एक बार अच्छा नहीं लगता, बच्चे फील कर रहे होंगे कि यार बर्थडे वाले दिन ही रिकॉर्डेड आ गया है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा आपके सामने आना था आज के लिए। तो आपने जो प्यार दिया है वैसे बहुत बड़ी बात है ना, मैं रिस्पेक्ट आप करते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैंने सोचा था पहले ये जाकर बोलूंगा, ये सब तो ठीक है, पार्टी कैसे सबकी फेस सबकी लाइफ में आता है, और कई बार तो डिप भी चला जाता है, बट वो जितना डिप जाता है ना तो वापस बाउंस बैक होता है, याद रखना। तो इसीलिए बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही वो है। ग्राफ बहुत तगड़ा बनाते हो भाई, अब इस ग्राफ को एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैं। देखो ये है एक्सपेक्टेशन, ये टाइम कि मैं इतने टाइम के साथ पढ़ता जाऊंगा तो मेरे इतने मार्क्स आएंगे, ये एक्सपेक्टेशन लाइन है। लेकिन रियलिटी क्या होता है, रियलिटी उसका नंबर बहुत कम है, बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते, उसको उम्मीद इतनी है, इतनी आते उम्मीद इतनी है, इतनी आते उम्मीद इतनी, इतनी आते उम्मीद इतनी आते उम्मीद। लेकिन इस क्रिटिकल टाइम के बाद ये देखो ग्राफ ऊपर खींचा, और ये जो इसका दोनों ग्राफ के बीच में जो एरिया है वो अमाउंट ऑफ डिमोटिवेशन, ये जितना नीचे रहेगा अमाउंट ऑफ डिमोटिवेशन उतना रहेगा, लेकिन ये कर्व ऊपर जाएगा ही, समझ गए? क्या बेहतरीन तरीके समझाया सर आज आप, मतलब इसको क्या तुम्हें समझ है, बोल कराओ क्या इसका उम्मीद है और ये रियलिटी है। रियलिटी हमेशा उम्मीद से नीचे ही रहता है एक क्रिटिकल टाइम तक, लेकिन लगातार मेहनत करोगे ना चलते जाएगा। 50% बच्चा यही छोड़ देता है, 70% बच्चा यहाँ छोड़ देता है, 80% बच्चा यहाँ छोड़ देता है, 90% यहाँ छोड़ देता है, मतलब कॉम्पिटिशन बहुत सीरियसली बात रखता है। आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत सारे बच्चे बैठते हैं नीट में, लेकिन एक्चुअल अगर देखा जाए, हाँ ये भी है, जैसे अच्छा हम नहीं, हम मोटिवेशन करने के लिए कहते हैं कि देख 22 लाख बच्चा बैठा सबसे आगे निकला, 22 लाख बच्चा बैठा सबसे आगे निकला, लेकिन रियलिटी उसमें कि 4 लाख बच्चा सीरियस एस्पिरेंट है जो सच में तुम्हारी तरह मेहनत कर रहा है। वो तुम्हारा फाइट भाई 4 लाख से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कॉम्पिटिशन, 4 लाख से तुम्हारा सीरियस फाइट तो है। बस ये है कि तुम उन 22 में बता ना, आप दुनिया का बोलते हैं 22 में काउंट हो जाओ, आप दुनिया का कोई भी एग्जाम, हमेशा कॉम्पिटिशन 1-2% कोई भी एग्जाम, बाकी सब जो होते हैं ना वो भीड़ होते हैं, वो इस तरह से होते हैं। आप भी देखो ना, आपने 12th के साथ हो सकता है एग्जाम दिया, आप अभी ड्रॉप बैच में मान लीजिए बैठे हो, तो आपने भी 12th के साथ दिया होगा, चलो दे देते हैं देख लेंगे क्या होता है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, ज्यादा उसका पैनिक नहीं होना और अच्छा होता है। सर अभी हमारे हॉस्टल की एक मीट हुई थी, उसमें सारे बच्चे आए थे, मतलब काफी सारे बच्चे आए थे, अलग अलग कंट्रीज से भी आए थे, तो उसमें जो हमारे हॉस्टल के सबसे कमजोर और सबसे गधे थे ना, वो मर्सिडीज से आए थे। मैं आपको फैक्ट की बात बता रहा हूँ, तो आप इस बात को समझना, जो सबसे गधे, मतलब हम लोग उनको बोलते थे इनसे ज्यादा नकारे और निकम्मे कोई नहीं, ये पता नहीं क्या करेंगे, टीचर्स बोला करते थे पान का ठेला लगाएंगे, और मैं बता रहा हूँ उनकी कंपनीज है, मतलब कहता हूँ बकरी चढ़ाओगे, इसलिए कहता हूँ इसका पर्पस यही है। सर बच्चे पूछ रहे हैं कि आपका बर्थडे है डिस्काउंट होगा, तब डिस्काउंट जरूर दूंगा, मुफ्त नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं खुद ही परेशान हूँ, मैं सच में परेशान हूँ, लग रहा होगा, लेकिन मैं सच में 100% हमारा होगा, होगा जरूर, और आपको 95% करना पड़ेगा तभी हम उस रिजल्ट तक पहुंच पाए, ठीक है? तो करते हैं।
आप ढंग से बढ़ते रहिए। अच्छा बैकलॉग है ना, सुन बैकलॉग होगा दो चैप्टर का, तीन चैप्टर का, चार चैप्टर का, उसको सबसे पहले तुम दो महीने के स्लॉट में डिवाइड करोगे तो बैकलॉग थोड़ा छोटा दिखेगा। अभी तुम्हें लग रहा है कि तीन चैप्टर का बैकलॉग है फिजिक्स में, दो चैप्टर का केमिस्ट्री में, चार चैप्टर का बायोलॉजी, मान लेते हैं तो कितने चैप्टर हो गए, तीन दो पांच और चार, मान ले नौ चैप्टर हो गए। तो नौ चैप्टर का तुम्हें बैकलॉग अभी दिख रहा है ना, ठीक है, नौ चैप्टर को आज नहीं कवर करना, उस नौ चैप्टर को पहले दो महीने या तीन महीने के टाइम स्लॉट में बांट के धीरे धीरे रोज कवर करो। अब धीरे धीरे तुम थोड़ा एक्स्ट्रा करोगे ना तो अपने आप कल तुम्हें और ज्यादा पढ़ने की इच्छा हो, तुम कल और थोड़ा ज्यादा पढ़ोगे तो तुम्हें और परसों और ज्यादा पढ़ने की इच्छा हो, और धीरे धीरे जब एक महीने में कुछ बैकलॉग कम होगा तो अपने आप रिलैक्स हो जाओगे। बैकलॉग अगर आया है तो आया एक दो दिन में तो नहीं है, लॉजिकली अगर बैकलॉग आया है तो दस लेक्चर का बैकलॉग यार दस दिन में आ सकता है, एक दिन में दस लेक्चर हमने नहीं दिए थे भाई, दस लेक्चर का बैकलॉग जिस भी रीजन से आया दस दिन में आया है तो आप उसको छह दिन में कवर करने की कोशिश करो ना, एक दिन में आप शक्तिमान की तरह कवर नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए, जैसे सपोज करिए मान लीजिए आपने एक दिन का फास्ट रखा हुआ है, आपने सुबह नहीं खाया, तो आप सुबह का खाना शाम को थोड़ी आप डबल खा सकते हैं, नहीं खा सकते ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप खाना तो उतना ही खा सकते हो जितना आप आपकी कैपेसिटी है, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हो कि चलो आप चार रोटी खाते थे तो एक रोटी बढ़ा दी, आप ऐसा तो नहीं कर सकते सुबह भी चार खाते थे शाम को भी चार तो चलो भी आठ खा लेते हैं, तो आप अभी जो है पहले उसको करो, उसके बाद जो छूट गया है उसके बाद उसको करो, ये सीधा सा पता होता है। उसके अलावा आप जल्दबाजी यदि मचाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, मां कर रहे हो और तुम्हारा दोस्त या कोई जाकर बोल दिया तेरा दोस्त, जब मैं ही बोलते तो गलत हो सकता, तो भाई मेरे निगेटिविटी को थोड़ा पॉजिटिव करो और सब दिल पे मत लो, बाकी लोगों से बात करो, क्यों नहीं हो सकता, नहीं यार क्यों नहीं हो सकता, लिख लो क्यों नहीं हो सकता, चैलेंज की तरह लो, तेरा ही होगा। और दूसरी बात देखो तुम्हारी मजबूरी है, मेरे पास तुम्हें आने पड़ेगा पढ़ने, है ना, अगर पढ़ रहा तो आने ही पड़ेगा, भाई मेरे निगेटिविटी को थोड़ा सा पॉजिटिव लो, सेलेक्ट होने के अलावा मतलब ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, और दूसरा बाकी लोगों से बात नहीं, मतलब बच्चे कहते ना कि सर मेरा फ्रेंड कह रहा तेरा तो हो ही नहीं सकता, अभी बिल्कुल नहीं होगा तेरा, सिक्योरिटी क्यों बोल रहे हो, अभी तू तू अगर पढ़ाई कर रहा है तो तुम्हें टाइम कब मिल रहा है दोस्तों की बात सुनी मत ना, और छोड़ दे छह महीने सात महीने आठ महीने के लिए सबको छोड़ दे, घर वालों को छोड़ दे जो निगेटिव बात कर रहे हैं, रिलेटिव को छोड़ दे, मोहल्ले वालों को छोड़ दे, दोस्त को छोड़ दे, सबको छोड़ दे और अपना फोकस पढ़ाई कर, और हमेशा की तरह एक बात कहूंगा कि देख यार मेहनत अगर तू कर रहा है तो तेरा क्या हुआ, मेहनत तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा, लौट के तुम तक आएगा, तब आएगा पता नहीं लेकिन तुम तक ही आएगा, तो इतनी 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 मेहनत कर देना, इतनी मेहनत कर देना, इतनी मेहनत कर देना कि एक्सट्रीम मतलब तुम्हें खुद भी यकीन ना हो कि साला मैं इतना पढ़ सकता हूँ, तो आज तक जितनी मेहनत नहीं करी होगी ना उतना करना पड़ेगा, और देख दुनिया से जीतने के लिए से पहले दुनिया से जीतने से पहले तुम्हें खुद से जीतना पड़ेगा, अपनी लड़ाई से तो तुम्हें लड़नी पड़ेगी ना, खुद से लड़नी पड़ेगी, खुद के डिस्ट्रैक्शन, खुद की नेगेटिविटी, इन चीजों से जब तुम आगे बढ़ोगे तब तुम कॉम्पिटिशन में दूसरों से लड़ पाओगे, तो इस सबसे आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच ज्यादा।